स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। ये न सिर्फ मुकाबला बड़ा है, लेकिन एक और रिकॉर्ड यहाँ पर सबकी बाट जो रहा है। क्या इसी मैच में हम देखेंगे प्रो कबड्डी में 300 के आंकड़े को पार करने वाला पहला डिफेंडर मंजीत छिल्लर को चाहिए सिर्फ इकलौता पॉइंट्स। इस समय 299 पॉइंट्स है मंजीत छिल्लर के पास। मुझे लगता है कि शब्दों में जरूरत नहीं है, प्रदर्शन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है दबंग दिल्ली का। यहाँ डू और डाई, डू और डाई में 7 का डिफेंस है। मंजीत छिल्लर इस समय पूरी डिफेंस को संचालित कर रहे हैं। मिराज शेख डू और डाई के बादशाह हैं, सुपर टैकल में बहुत अच्छा करते हैं, कामयाब मिराज शेख। 5 मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद इस समय काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। जोगिंदर नरवाल, क्या शानदार वेस्ट होल्ड, खिलाड़ी के पीछे जाके उसकी कमर को पकड़ना, यानी आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आज मुझे खुशी हुई जोगिंदर को ये टैकल करते हुए, क्योंकि ये अक्सर यही टैकल करते थे पहले जब मैं इनके साथ खेलता था, अक्सर करते थे। राजेश नरवाल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी से हमें ज्यादा की उम्मीद रहती है। बिल्कुल रहती है, उम्मीद ज्यादा ही रहती है। लेकिन देखो, उसने इतनी जल्दी कमबैक किया है ऑपरेशन के बाद, उनका ऑपरेशन कराने के बाद, वो भी बहुत है। चाहे हैंड रीच है, चाहे जंप है, चाहे टोर टच है, और वही चीज होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कर पाए। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल आपने दिया कि जब डिफेंडर एकदम सामने आ जाए तब आप अपनी चाल को बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। इस मामले में सुनील, मिराज शेख का स्टांस बिल्कुल दूसरा है, वो शुरू से ही अपने डैने खोल करके चलते हैं, लेकिन चूंकि रविंदर हैं तो वो राइट इन पर चले गए। डू ओर डाई रेड, मिराज डू ओर डाई रेड में अक्सर कामयाब होकर लौटते हैं। एक्सेलरेशन देखिए, स्टांस देखिए, ये तमाम खूबियां हैं कि क्यों वो डू ओर डाई में कामयाब होते हैं। थोड़ा सा टच करने की कोशिश, लेकिन काफी दूर से। अनिल जो कि राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, संयम बरत रहे हैं, मंजीत भी डाइव लगाने से बच रहे हैं। अब मिराज अंदर गए और मिराज बाहर गए। 2 मिनट का वक्त उन्हें पूरा काटना होगा, और वो वक्त खत्म होने के बाद ही वो कोर्ट के अंदर आएंगे। सतपाल, और क्या बात है, जबरदस्त एंकल होल्ड। लेफ्ट कवर पर इस समय अनिल खेल रहे हैं, राजेश नरवाल नजर नहीं आ रहे, तो ये एक चेंज हुआ है। जोगिंदर नरवाल फिर कामयाब, दूसरी बार दिल्ली के कैप्टन ने तमिल सवाईवास के कैप्टन को आउट किया है। पहली बार वेस्ट होल्ड किया, इस बार एंकल होल्ड किया। मिराज शेख चले हैं, डिफेंस में विशाल माने चले हैं, पूरा डिफेंस एक साथ चला है। ये तीसरी कामयाबी तमिल के डिफेंस को, और 4.5 मिनट बाद सतपाल लेफ्ट इन पे गए थे। सुपर 10 के बाद कीजिएगा, और ये सुपर 10 नहीं हो पाया। मंजीत छिल्लर ने डाइव किया, आखिरी रेड है, डू और डाई है। मिराज शेख का काम है कि वक्त निकालेंगे, आप शिकार करना चाहे कर लीजिए। मिराज सुपर 10 से एक ही पॉइंट दूर है, लेकिन यहां स्वार्थी बिल्कुल नहीं हो रहे। कृष्ण कुमार हुड्डा ने ताल ठोक दी है। दिल्ली अपने घर में 5 मैच जीतने वाली सीजन 6 की पहली टीम बन गई है। जो काम यू मुंबा नहीं कर पाए, जो काम गुजरात फॉर्चून जायंट्स नहीं कर पाए, वो साड़ी दिल्ली ने कर दिया। 6 मैच, 5वीं जीत, और इस जीत के साथ दिल्ली ने प्लेऑफ के अंदर एक कदम अंगद के पैर की तरह मजबूती से रख दिया है। जबरदस्त प्रदर्शन है दिल्ली का।